नाजरीन आदाब, गुजरी प्रोग्राम मारे फिर सारे के तौकीर आलम आपकी खिदमत में हाजिर है। आप सबना पता कि हम अपना प्रोग्राम में मुख्तलिफ शख्सियात में दावत देता रहा, इससे सिलसिला नगा बढ़ाती हुई अज मार नाल जुड़े हो अल्दवाणी का एरिया बैगुल डाम थे नूर सैन ठिकरियो। नूर सैन ठिकरिया जी, आपको हमारा गुजरी प्रोग्राम मारे फिर सर बहुत बहुत इस्तकबाल। अच्छा, थोड़ा जो आप अपना पुराना जमाना बारे दसो, कि कर रहा था, क्या करा हुआ था, कितों आप अल्दवाणी आएगा अके पहाड़े जानो टीरी गढ़वाल के इलाके जी। अगर एक टाइम आटो तो हुए, चार टाइम नहीं है। एक के करा था, मतलब आटो नहीं हुए, भूखा रहा था, के करना था, दूध हुए सो दूध पी लियो, कलाड़ी खा ली, लस्सी पी ली, यही चीज़ यूज कर रहा था। और यही चीज़ यूज करने के बाद जो था बहुत नाजुक वक्त था, कोई भी सियाणो बुजुर्ग मारो थो माँ जिकन दादो या बाप जी, एक लांगड़ एक कुर्तो, सर पर कोई पग पुग, यो कोई पहनावा नहीं थो का साहब, एक कहमत भी होनी चाहिए या कुछ पहरे पहरे हुई जूती हुई नहीं हुई नहीं इसकी। दूसरी बात यह है कि हम लोग इस वक्त 1947 का उसमें आया जद बेच, और हम इतना परेशानी बेच आया कि दिहाड़ी एक किसी घना घोर जंगल के अंदर रहनो, जिसते कि हमने जाड़ के बेच या सुनाई ना दे जी कोई लभे या कुछ पत्थर किट्ठा कर लेना ताकि कोई आएगा तो इनकी ठोकांगा कदे। इकड़े करते कराते हम हरिद्वार के पीछे लक्ष्मण जी लगो पड़े जी, बोले उसके बाद जिस बड़े लंघे और जगह को ना चीलो मैंने अजी भी याद है जी। हाँ, बहुत पूछा जिस बड़े तो सब लोग इकट्ठा हुआ कहीं सौ डेरो थे, बड़ा मैदान थो और फिर इस उत्तोंगा निकलिया, फिर अपने अपने निखड़ गया, कोई किधर नो कोई किधर नो। इतने होते करते जी हम नेपाल तक पुजे, मैं नेपाल उठ के टनकपुर लंघ गए। हाँ, टनकपुर ते पार जी, टनकपुर वाली खड्ड है जी, इससे पार निकल गया, सियाल पार रहनो, सोए बरसात पार रहनो। और उसके बाद इतने कदे कोई चोर लुटने आए रहे, कोई कदे कोई कुछ है, हर मुसीबत को सामने देखते हुए 1956 में चम्मा उस मुल्क के पुराने इस इलाके आए। अच्छा, उस वक्त मेरी उम्र करीब करीब 18-19 साल की थी। 1956 में जी होश आवाज में तो, और पढ़ू भी था मैं उर्दू अरबी। उसके बाद होते करते हम लोग ये चोरगलियों से ठोको आपने जी। हाँ, चोरगलिया का इलाका में पुजिया, और आगे मारा बुजुर्ग ने मशवरों बनायो कि भाई इकन काम नहीं चले, कतर दौड़ोगे मारो तायो हुए थे एक। अच्छा, शायद रात आपने मिले होगा नूर ठीकरी हो, नूर ठीकरी मिली मशहूर आदमी है, उसको दादो था मारो तायो रखे दो पूजो के इकन करो भाई, कातर दौड़ांगा कातर फिरांगा, थोड़ी थोड़ी जमीन ले, मगर ऐसी स्टेजी थी कि पैसों के सिकुड़े नहीं थे। पैसों इक्कन थो के चिक्कन एक आज नवी चीज़ को हम देख लिया और तो वीडियो बनाए करे जी, तो इक्कन थो के नवी चीज है या नवी चीज है, तो इस तरीके से हमारे कोई पैसों पाई कुछ नहीं थी, और जमीन कहीं ले कि बढ़िया को खुशामद दरामद कर गए, कुछ ना लोगों ने जमीन ले ली, मेरे बाप फिर रह गई। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा बाप ने और मेरा सौरा ने अलग जमीन ली, एक ने ली 12 एकड़, मेरा सौरा ने मेरा बाप ने ली 10 एकड़। अच्छा, फिर उस जमीन में आबाद करता रहा जाड़ी में, फिर उस जाड़ टुकाने लगो तो फिर इतनी है उन या के वह जमीन मुझे 1907 में बेच के इनका ले 1997 में बेच के सात में
2007 लई और मारी वो अस्ते की जड़ी थी आज की तम औलाद उस अस्ते बर्दाश्त नहीं करता जी। भूख प्यास सफर बहुत बुरा हाल। अच्छा सर, गदल पियो लड़ाई पई और उस टाइम आपको खान पकान को जो जरियो था या संसाधन था क्या था कि कण सर्वाइव किया उस टाइम पे आपने? वो साधन थोड़ा बहुत आटू उटू हुआ बजाय चार रोटी खान के एक खा ले एक खान के अद्धी खा ले ज़्यादा भूख लगी दूध पी ली लस्सी पी ली वही साधन। पाकिस्तान जान की नहीं सोची या नहीं जा पाया या नहीं, नहीं, जान मच गया नहीं गया नहीं नहीं गया यही देश पसंद आए उत्ते रहना चाहिए एक कर नहीं गया अके देश से मारो एक हुई है इसी देश में हम जमिया पड़िया जी इसी वजह से हम पाकिस्तान जान की कोशिश नहीं की हमारा ग्रुप ने या किधर जान की कोशिश नहीं की सर यही कोशिश की कि आबादी करो आबाद करके रहो इसी तरीका से हम रहे और इसी तरीका से शादी ब्याह में रेड़ा हुआ था पहला आज दे ईशान ने जी उस दौर के हमारे शादी ब्याह उसका रुखा हेठ हुआ था दाल बना ली चावल बना लिया जी खंड ला दी यो हमारा खान हो बाकी किसी की जनानी काट ली माँ बना दे के छुड़ाई ये रिवाज तो यो रिवाज आम रिवाज ताकि मारी जड़ी बस्ती है आम लोगों ने कोई काटा फाटा कोई कुरबा नहीं था आम लोग कोई इसी सुकून की जिंदगी में आ गया फिर कि बहुत अच्छा तरीका से जिंदगी पास हुई जी और इसी तरीका से होते करते फिर राम ने अपने बच्चों का शादी ब्याह किया जब मर जाना उतने जाड़वे दाबुड़ कोई कब्रिस्तान नहीं कुछ नहीं पाड़ा कब्रिस्तान हुआ था मगर क्या तो झाड़ी बेचता था फिर उसके बाद जिस इंगा निकलिया फिर कब्रिस्तान ने भी लोड़ पई फिर कब्रिस्तान भी बनाया झाड़े बेच हाँ ग्राम लगे दबन झाड़ में लग गया दबन इसे तरीका से मारी जी पुरानी स्थिति थी बहुत खराब थी तन पर चिड़ो नहीं थो गए कितना जंगे लाड़ो कुछ नहीं थो गए वास्ते दीदी हम लोग का। अच्छा पहला टाइम बनी उन लोगों था एक साल में कितने जोड़ा स्टेडियम से आले में था? एक जोड़ा बस बस जिनानी ने कोई चादर प्लेट लेनी खेस नील को हुआ था और वो चीला तो सुखा के उखी लाने मर्द ने एक लांगड़ हुई थी पहला बात वो लेनी अतर ना आगे फिर मुड़ गए कोई सुखा के लाने जुटी चमड़ा की हुई थी हाँ। और बने हुए थी पीछे महंगा पौड़ बार जी जुटी चमड़ा की चली वो लान लग गया और पहले में थोड़ी बहुत लाया था कहने का मकसद यह है कि रिश्ते दी सुधार में कुछ नहीं थी इससे तरीका थे हम लोग आज तक घूमते ही रहे जाड़ा में जाड़ा ही में और आज मेरे को खुदा का शुक्र है 6-7 एकड़ जमीन है बहना मगी जी मगर आते हुए घूमते ही बेचा आज उन्हें अच्छा नहीं पाया कर जी तो उन्हें गवर्नमेंट की जगह पर क्या पाया कर जी अपनी थोड़ी है यही स्टेज है। आप अपने टाइम में स्कूल नहीं गया? स्कूल भी पढ़ाई कुछ नहीं थी कोई मॉल भी रख ली हो अपना बच्चा नो तालीम दे ली और नस्कों को और रख ली हो 1956 में मेरी पढ़ाई ख़त्म हो चुकी थी। आप दस्य रहो जी आपने उर्दू पढ़ाई की गीत है कितना रिसाला उर्दू पढ़िया कितनी देर उर्दू पढ़ाई आपने की जी उर्दू का दर्जा एक कायदे एक किताब खिलाफ़े रास्ता किताब पढ़ी एक कायदों पढ़े हो कुरान अजीम नजरा पढ़े हो